चैप्टर नंबर तीन क्लास फोर्थ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हमारा कंप्यूटर रन करता है चलता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा ऑपरेटिंग का मीन्स ये होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं उसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर किसी चीज़ के अंदर उसको ऑपरेट करने वाला ही नहीं होगा तो वो चीज़ चलेगी कैसे इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी काफ़ी सारे कंप्यूटर का, के भी काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर वर्क करता है ई जे इट इज़ ए सेट ऑफ़ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेस एंड आल इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम ये काफ़ी प्रोग्राम का एक समूह है जो किसी चीज़ को मैनेज करता है मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी कंप्यूटर्स के अंदर जो मेमोरी होती है उसको प्रोसेसिंग को और आल इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उन सबको मैनेज यानी कि उन सबको मैनेजमेंट का काम कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो आपके जो भी इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपका किसी भी यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, नहीं हो सकता हार्डवेयर है हार्डवेयर का आप वर्क कैसे करेगा कंप्यूटर में बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी वर्क नहीं होगा विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो कंप्यूटर है वो यूजलेस है वो किसी काम का नहीं है उसको हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते इट अलाउस इट आल्सो अलाउज़ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ये किस काम के ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से एक कम्युनिकेशन साधन होता है कंप्यूटर का जिसके जरिए हम एक इंसान जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है किसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही जो हार्डवेयर है वो यूजफुल होगा इट एक्ट्स एज एन एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर ये किसका काम करता है हम किसके माध्यम है किसका तरह काम करता है ये मीडियम में किसके बीच में कंप्यूटर और यूज़र के बीच में मीडियम का काम कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र सिंगल यूज़र नाम की तरह जिसको कोई भी एक सिंगल यूज़र यानी कि सिंगल पर्सन यूज़ कर सकता है एक टाइम में एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूज़र यानी कि एक ही टाइम पर उसको यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी सारे यूज़र यूज़ कर सके वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एम एस डोज जो डेस डोज बेस आते थे पहले कंप्यूटर उनमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था उसमें हम विंडो डोज कमांड बेस होती थी कमांड से ही वो काम करते थे ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस यू ओनली वन पर्सन टू वर्क ऑन इट एट ए टाइम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज कर सकता है बेस्ट एग्जाम्पल सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है एम एस डोज़ पहले डोज बे सिस्टम आते थे उसमें जैसे अब आप क्लिक करते हो हमारे कंप्यूटर पे माउस का यूज़ होता था उसमें माउस का यूज़ नहीं होता था इतना उसमें आप कीबोर्ड से कमांड देनी पड़ती थी कंप्यूटर को उससे हम किसी सी ड्राइव डी ड्राइव में एंट्री करते थे और कमांड के ज़रिए ही हम कंप्यूटर में वर्क होता था आजकल लेटेस्ट आ गया है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज़ मैनी पीपल टू वर्क एन ए डिफरेंट कंप्यूटर पीपल टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड ऑन द टू मेन कंप्यूटर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ को अलाउ करता है कि पीपल टू वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर कि कोई भी सिंगल पर्सन है वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है जो कंप्यूटर किस पे यूज किससे कनेक्टेड है मेन कंप्यूटर से जैसे कंप्यूटर जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में अंदर सभी कंप्यूटर है ये किससे कनेक्टेड है मेन कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से कितने सारे कंप्यूटर कनेक्ट है आप हर किसी पे अलग अलग वर्क कर रहे हो लेकिन चल कौन चला किसके जरिए रहें सिर्फ एक यूज़र एक कंप्यूटर से इसी बोलते हैं मल्टी यूज़र यानी कि एक ही टाइम पर एक कंप्यूटर को यानी काफ़ी सारे यूज़र यूज़ कर सके थ्रू ए नेटवर्क ये किसके जरिए यूज़ होगा नेटवर्क के थ्रू ठीक है विंडो एंड विंडोज़ एंड लाइन आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लाइन जो है ये एग्ज़ाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस रेलवे स्टेशन स्कूल एंड एयरपोर्ट एक्सेट्रा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं आपके जो बिग ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हो गया एयरपोर्ट हो गया रेलवे स्टेशन हो गया ऑफिस हो गया जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है ठीक है आज के लिए बस बच्चों इतना ही आगे कल पढ़ेंगे थैंक यू